पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक नगर निगम कैंप कार्यालय पर हल्की गहमा गहमी के बीच संपन्न हुई। बैठक में शहर के विकास को लेकर चर्चा की गई, तो वहीं विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया। इस दौरान कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा की गई, तो वहीं बैठक में नगर आयुक्त संजय चौहान भी उपस्थित रहे। आयोजित बैठक में बजट पर भी चर्चा हुई, तो वहीं शहर के विकास और बजट को लेकर कार्यकारिणी के सदस्यों ने अधिकारियों से सवाल जवाब भी किए, जिसमें सर्वप्रथम कहा गया कि आखिरकार 10 लाख रुपए का बजट जो स्टेशनरी पर व्यय करने के लिए पास कराया गया था, उसे 50 लाख कर दिया गया, जिसके बाद पार्षद बिट्टू शर्मा ने इस पर सवाल या निशान खड़े किए और जवाब तलब किया, जिसके बाद अधिकारी भी बगले झांकते हुए नजर आए। तो वहीं काना गौशाला पर 125 लाख रुपए की जगह 127 लाख रुपए का खर्चा बताया गया। पर नगर निगम में वर्ष 2022-23 का बजट आज प्रस्तुत किया गया, जिसे आज सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। विभिन्न मुद्दों पर बड़ी लंबी 4 घंटे तक लगातार आज वहां पर चर्चा हुई। नगर के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर लाइट, पर प्रकाश, जल, कल स्मार्ट सिटी सब। आज हम यहाँ पर स्मार्ट सिटी के कंट्रोल कमांड सेंटर पर खड़े हुए हैं, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा, पूरे शहर की रेखी। 32 कैमरे अभी यहाँ पर एक्टिवेट रहेंगे हर वक्त, जिससे पूरे शहर पर निगाह रखी जा सकती है और कब कहाँ कहाँ क्या परेशानी है, कहाँ किस फर्ज को, वो सब यहाँ पर वॉच की है। कंट्रोल सेंटर में क्या क्या व्यवस्थाएं रखी है? सारी व्यवस्था है। ये आज कितने का बजट पेश किया गया, कितने का बजट पेश? आज लगभग 280 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें 100 करोड़ रुपए विकास के लिए रखे गए हैं और बाकी अन्य मदों में खर्च किया गया। अच्छा, इस बजट में महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी ली जा रही हैं? महत्वपूर्ण योजनाएं शासन की के दिशा निर्देश थी, नगर को एक तरीके से सौंदर्यकरण करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों को की मरम्मत, सड़कों की साइड पटरी, बीच के जितने भी डिवाइडर हैं उनकी मेंटेनेंस, ऊपर की लाइटें, रंबल स्ट्रिप, चौराहों पर अन्य प्रकार की स्ट्रिप, बहुत प्रकार के कार्य योजना इसमें हमने बनाई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।